नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, और आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में समझेंगे फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आपको समझने के लिए सिर्फ ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट को समझने से पहले कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए कि यूनिट्स किसे कहते हैं। आप सभी लोग 10th पास करके आए हैं और सभी ने यूनिट्स के बारे में सुना हुआ है। जैसे हम लेंथ की बात करते हैं तो मीटर की बात करते हैं, किलोमीटर की बात करते हैं, इंच की बात करते हैं, फीट की बात करते हैं, मिलीमीटर की बात करते हैं, सेंटीमीटर की बात करते हैं। जब हम वेट की बात करते हैं तो किलोग्राम में बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है और डेली चर्चा करते हैं। लेकिन यदि आपसे बोल दिया जाए कि व्हाट इज यूनिट, यूनिट किसे कहते हैं, या यूनिट को एक्सप्लेन करिए, यूनिट को डिफाइन करिए, तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, ना ही बता पाएंगे। तो हमें यही सीखना है कि यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि हम लोग थ्योरी एग्जाम के पर्पस से आज का लेक्चर समझ रहे हैं। तो जैसा मेरे पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले जो डेफिनेशन हमें एग्जाम में लिखना है उसको एक बार पढ़ के सुनाता हूं मैं, फिर उसके प्रत्येक वर्ड का मतलब समझाता हूं, जिससे आपको वह बहुत अच्छे से समझ में आ सके। हिंदी में मैं समझा रहा हूं। लिखा हुआ है भौतिक राशि। भौतिक राशि सभी लोग जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं। क्या लिखा? भौतिक राशि के नियत किए गए मान, नियत किए गए मान मतलब फिक्स्ड वैल्यू को जिससे तुलना करके राशि का परिणाम ज्ञात करते हैं, उन्हें मात्रक कहते हैं। अब इसमें प्रत्येक वर्ड का मतलब बता रहा हूं, लेकिन याद रखें, इंग्लिश मीडियम के कोई स्टूडेंट है तो नीचे की डेफिनेशन पढ़ के एक बार जरूर देख ले। मैं हिंदी के हिसाब से समझा रहा हूं। क्या लिखा? भौतिक राशि के नियत किए गए मान को जिससे तुलना करके राशि का परिणाम ज्ञात करते हैं, उन्हें मात्रक कहते हैं। अब ये नियत किए गए मान क्या है? देखो, पहले एक एक वर्ड से समझेंगे। भौतिक राशि हम जानते हैं, भौतिक राशि हम समझा चुके, कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम करते हैं लेंथ की बात, वेट की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। समझ गया होंगे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, क्योंकि पिछला लेक्चर में समझा चुका हूं, उसमें ये सब डिफरेंट टाइप्स की जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उन सबको मैं समझा चुका हूं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? फिक्स्ड किए गए मान को। ये फिक्स्ड किया गया मान क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जैसे हमें किसी की लेंथ बताना है, क्या बताना है? किसी की लेंथ बताना है, तो आप कैसे बताते लेंथ? लेंथ को हम किलोग्राम तो नहीं बता सकते हैं, ना ही डिग्री सेल्सियस बता सकते हैं। तो लेंथ के लिए हमने एक वैल्यू फिक्स की है कि हम लेंथ को मीटर में बताएंगे, किलोमीटर में बताएंगे, इंच में बताएंगे, फीट में बताएंगे, सेंटीमीटर में बताएंगे, मिलीमीटर में बताएंगे। तो ये क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई ना कोई वैल्यू किसी ना किसी के लिए फिक्स की गई है। जैसे मैंने बताया, लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं? किलोमीटर, मीटर, इस तरह की यूनिट्स में बता सकते हैं, लेकिन उसको किलोग्राम में नहीं बता सकते हैं। तो क्या किया मैंने? जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है उसके लिए मैंने फिक्स वैल्यू कर ली है। ऐसे ही किसी का वेट करना है तो वेट के लिए हमने फिक्स वैल्यू कर ली, क्या? उसको हम हमेशा किलोग्राम में बताएंगे। ऐसे ही टेम्परेचर के लिए फिक्स वैल्यू कर ली हमने, तो उसको डिग्री सेल्सियस में बताएंगे या फिर केल्विन में बताएंगे। ऐसे ही मैंने किस में? फोर्स के लिए फिक्स वैल्यू कर ली है, तो उसको हम हमेशा किस में बताएंगे? न्यूटन में बताएंगे। तो ऐसी बहुत डिफरेंट टाइप्स की फिक्स वैल्यू रहती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी के लिए की गई है। मैं आगे हम बताऊंगा कि कौन कौन सी होती हैं, लेकिन अभी आप ये लिखा नियत किए गए इसके बारे में समझ गए होंगे। फिक्स वैल्यू क्या होती है समझ गए ना, कि मतलब किसी सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग वैल्यू फिक्स की गई है। वह मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। अब क्या लिखाएंगे? जिससे तुलना करके राशि का परिणाम ज्ञात करते,
अब जो वैल्यू मैंने फिक्स की है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जब हमें किसी क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना है, किसी का परिणाम निकालना है, तो इन फिक्स्ड वैल्यू से कंपेयर करके निकालते हैं, इन फिक्स्ड वैल्यू से कंपेयर करके निकालते हैं। मतलब ये हुआ, एक रॉड है हमारे पास, ध्यान से समझना, ये कोई रॉड है, ये रॉड है। अगर इसकी मुझे क्या पता करना है, लेंथ पता करना है, तो हमारे पास जो टेप होगा वो किसमें मान लिया मैंने, मीटर में होगा, क्योंकि लेंथ के लिए हमने मीटर फिक्स कर रखा है, तो मीटर में होगा। इसके ऊपर हमें रखना पड़ेगा उस टेप को, हमने टेप को ऊपर रखा, इसके ऊपर ऊपर रख के मैंने क्या किया, टेप में देखा, कहां पर देखा, टेप में देखा कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है। मतलब क्या हुआ कि ये तो इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हम इसकी क्या फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं, उसका रिजल्टेंट पता करना है हमें इसका कि कितना है। तो उसके लिए हमने क्या की, जो हमने फिक्स्ड वैल्यू कर रखी है, मीटर हमने फिक्स्ड वैल्यू कर रखी है, तो मीटर वाला जो भी टेप है वह हमने इसके ऊपर रखा और हमने टेप में देखा, मतलब उससे कंपेयर किया, इसका और टेप का एक दूसरे से क्या हुआ, कंपेरिजन हुआ। तब टेप में देख के हमने बताया, क्या बताया, टेप में देखकर ये कितनी है, 1 मीटर है, तो इसे बोलते हैं हम कंपेरिजन। अब जो फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट निकलता है, हमेशा उसमें क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। क्या रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मल्टीप्लाई क्या रहती है, यूनिट रहती है। तो दूसरी मीटर क्या हो गया, क्या हो गई, यहां पर यूनिट हो गई। ऐसे ही सभी यूनिट्स, चाहे वो वेट निकाल लें आप, चाहे टेम्परेचर निकाल लें, चाहे फोर्स निकाल लें, सभी में न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है और यूनिट रहती है रिजल्टेंट निकालने के लिए। सभी को हम इसी तरह कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो भी रॉड है एग्जाम्पल के लिए, इसकी लेंथ अननोन है, हमने इसकी लेंथ कैसे निकाली, एक टैप से जो जो किसमें फिक्स था पहले ही, उसकी फिक्स वैल्यू थी, ये मीटर में बताएगा, तो उससे कंपेयर करके हमने इसका रिजल्टेंट बता दिया। तो ये होती है यूनिट्स। उम्मीद है जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी इंग्लिश में या हिंदी में, उसमें जिसमें भी जिस भी भाषा में आप पढ़ते हैं, इसको एग्जाम में लिख कर आएंगे। अब चलते समझते फंडामेंटल यूनिट्स। तो अब आ गई फंडामेंटल यूनिट्स की बात, इसको एग्जाम में लिखना है आपको, अगर पूछा जाता सेम की सेम डेफिनेशन। इंग्लिश में मैंने बताया, मैं हिंदी में ही पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा हैं, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं तो आप एक बार पढ़ लिया करें। लिखा है, बेमात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें किसी भी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न या संबंधित ना किया जा सके, मूल मात्रक कहलाते हैं। मतलब समझ में आया, नहीं, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, अकेली हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ना ही उन्हें किसी दूसरे से, ऐसे लिखा है यहां पर, व्युत्पन्न लिखा, ना ही दूसरे से बनाया जाता है, ना ही उनको क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, खुद क्या है, सिंगल। तो ऐसी जो यूनिट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, जो बिल्कुल सिंगल होती हैं, ऐसी यूनिट जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो खुद में सिंगल हैं, ना ही किसी दूसरे यूनिट से व्युत्पन्न की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं या बनाई जाती हैं। इन सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब ये कौन कौन सी होती है, तो मैं एक टेबल से समझा देता हूं, लेकिन इन यूनिट्स को आपको याद करना है, टेबल जैसे की तैसी याद करना है और एग्जाम में बना के आना। जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें या भौतिक राशि की, तो ये क्या हो गई, हमारी लंबाई हो गई, और लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मतलब लंबाई की यूनिट क्या फिक्स की गई है, मीटर, तो मीटर क्या हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई, इसको शॉर्ट में हम स्मॉल एम से डोनोटेट करते हैं। जैसे हम मास की बात करें, तो मास के लिए क्या फिक्स की गई यूनिट, किलोग्राम है, तो किलोग्राम से कंपेयर करके हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे कि कितने किलोग्राम है, तो इसका शॉर्ट होगा किलोग्राम। समय के लिए क्या फिक्स की गई है, सेकंड, सेकंड फिक्स की गई यूनिट, कि हम किसी को भी सेकंड से कंपेयर करेंगे तो उसका रिजल्टेंट बताएंगे कि इतने सेकंड है, इसका स्मॉल एस होता है। ऐसे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इसके लिए एम्पियर फिक्स की गई, इसको हम कैपिटल ए से नोटेट करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए केल्विन फिक्स की गई है,
इसको हम केसरी डॉट कहते हैं। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हो गया कैंडेला, सी डी से हम स्मॉल सी डी से डॉटेड करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया मोल, और एमओएल से इसको डॉटेड करते हैं। ये तो सेवन हो गई यूनिट, कौन सी है, सेवन है बेसिक यूनिट। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, उनको भी मैं बता देता हूं। अब दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, उसमें कौन सी होती है, प्लेन एंगल के लिए देखें रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल के लिए देखें तो स्टेयर रेडियन होती है। इसको हम आरईडी से डॉटेड करते हैं, इसको एसआर से डॉटेड करते हैं। तो इस यूनिट्स के जो भी मैंने ये सेवन वो बताई है, दो ये बताई, इनको आप बिल्कुल नोट कर लें और याद कर लें। अब हम लोग ड्राइव यूनिट के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ड्राइव यूनिट्स या फिर व्युत्पन्न मात्रा। ध्यान से सुनेंगे, जैसा नाम है वैसे आप समझ गएंगे। क्या लिखा, वे मात्रक जो मूल मात्रकों का उपयोग करके ज्ञात किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब ड्राइव यूनिट्स हैं, अगर कोई पूछता है आपसे कि ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, तो जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यदि उनसे कोई नई यूनिट बनाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। या वे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं, उन्हें हम सबको, उन सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं, हम ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझा रहा हूं। जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न की जाती हैं या ड्राइव की जाती हैं, उन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। शुद्ध भाषा में इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया, बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए, लेकिन एक चार्ट से समझा देते हैं, उसमें क्या आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहते हैं और यूनिट्स भी रहेंगी तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब जी कुछ एग्जाम्पल, ये इनको मैं ऐसे एग्जाम्पल पहले समझा देता हूँ जो आपको तुरंत समझ में आ जाए। जैसे हम यहाँ पर लिखा मास डेंसिटी, तो डेंसिटी आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर यूनिट भी लिखी, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अब ये सिंगल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, किलोग्राम क्या, फंडामेंटल यूनिट है, और यहां पर जो मीटर क्या है, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन दोनों यूनिट को मिला के हमने किसकी यूनिट बना दी है, डेंसिटी की यूनिट बना दी है। मतलब ये क्या हो गई, ड्राइव यूनिट हो गई, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। ऐसे में प्रेशर की समझा देता हूं। जैसे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, यहां पर इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर दो यूनिट हो गई, न्यूटन और मीटर, दो यूनिट से मिलकर बनाया प्रेशर। तो ये क्या हुई हमारी, ड्राइव यूनिट्स हो गई। ऐसे देखो यहां पर वेलोसिटी लिखा है, जिसके बारे में सब जानते हैं, क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड, क्या लिखा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ये दोनों कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन दोनों फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर हमने किसकी यूनिट बना दी है, वेलोसिटी की यूनिट बना दी है। तो एक कैसी यूनिट हो गई, ड्राइव यूनिट हो गई। ऐसे यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत है। उम्मीद है ड्राइव यूनिट्स क्या होती है समझ गए होंगे, फंडामेंटल यूनिट भी समझ गए होंगे, विथ डेफिनेशन मैंने समझा दिया। जैसा मैं यहाँ पर डिफाइन करके रख देता हूँ, वैसा आप नोट कर लें, नोट्स बना लें, उसकी तैयारी कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच सकें और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।